अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी। ये नॉर्थ इंडियन डिश है और सिंपल डिश है और बहुत टेस्टी हो जाएगी। आप इसे भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुरादाबादी की पोटली इंग्रेडिएंट्स, ये सौंफ है, एक टेबल स्पून मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया ले लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे काली मिर्च ले लिए हैं मैंने 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे छोटी इलायची ले लिया है, इसे फोड़ लिया है। और ये दालचीनी का टुकड़ा और ये थोड़ा तेज पत्ते। और इसे मैं एक पोटली बना लूँगी, छोटी वाली, देखिए ऐसी। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ये बासमती चावल मैंने 1/2 घंटा सोक कर लिया है। यहाँ पे 1/2 किलो मटन लिया है मैंने, इसे बॉईल कर लिया है प्याज डाल के, नमक डाल के 5 मिनट तक। और यहाँ पे ये 2 कटे हुए प्याज स्लाइस किए हुए। और यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने 5 ले लिए है और इसे स्लिट कर लिया है। और ये 1/2 नींबू ले लिया है मैंने। और ये धनिया पत्ता और ये थोड़ा सा पुदीना। और ये 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 1 फूल और 3 लौंग और 1/2 टेबल स्पून ये काली मिर्च और ये ज़ीरा और ये तेज पत्ता 2। और ये 1 टमाटर और ये 3 टेबल स्पून दही। और ये कुकिंग के लिए तेल। चलिए बनाने का प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून लगभग तेल ऐड कर रही हूँ कुकर में। देखिए ये पूरे साबुत मसाले इसमें जाएंगे। और इसे थोड़ा सा स्टर दे देते हैं। जब ये मसाले क्रैकल हो जाए, अभी मैं यहाँ पे 2 कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 5 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छा सा स्टर दे देते हैं। देखिए यहाँ पे यानी ब्राउनिश नहीं हुई है प्याज, वाइटिश ही है, ट्रांसलूसन हो चुकी है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें चला जाएगा। यहाँ पे अच्छे से भून लूँगी मैं। और यहाँ पे 1 टमाटर भी जाएगा। और टमाटो को सॉफ्ट करने के लिए नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है और एक स्टर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छा सा स्टर देंगे। और यहाँ पे मैं 1/2 नींबू ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे अच्छा सा एक मिक्स दे देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही जा रहा है। यहाँ पे क्विक स्टर दे देते हैं। देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे ये मटन, 1/2 किलो मटन मैं ऐड कर रही हूँ जो 5 मिनट उबाल लिया था। तो यहाँ पे इसे अच्छा सा एक मिक्स दे देते हैं। और यहाँ पे ये धनिया पत्ता भी मैं ऐड कर रही हूँ। और इसे भी एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास का पानी। और यहाँ पे मटन में भी थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था। देखिए यहाँ पे 1/2 भी नहीं है, 1/2 से थोड़ा कम पानी था। टोटली मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से मैं स्टर दे रही हूँ
और ये जो पोटली हमने बनाई थी उसको इसमें रख देना है ऐसे। और यहाँ पे नमक चेक कर लेंगे, और चावल के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ। लगभग 1.5 टेबल स्पून नमक मैंने ऐड कर दिया था, गोश्त में भी मैंने नमक डाला था, देख के डालिएगा टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे मैं 8 विजल्स दे रही हूँ। 8 विजल होने तक हम चटनी बना लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जार में अब ये टमाटर जाएंगे 2 कटे हुए, और ये 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और ये चिल्लीज़ को मैंने भिगा लिया था, 7 से 8 चिल्लीज़ हैं, ड्राई चिल्लीज़ हैं, मैंने 15 मिनट सोक कर लिया था पानी में। अभी ये पानी के साथ ही मैं जार में ऐड करूँगी। और नमक स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और इसे लिड लगा रही हूँ, और ये स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लूँगी। देखिए ये कितना स्मूथ पेस्ट से कन्वर्ट हो गया है। अब ये बॉल में निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 8 विजल्स हो चुके हैं। देखिए अच्छी तरह से मटन गल चुका है। तो अभी मैं ये जो पोटली बनाई थी ये निकाल रही हूँ, इसका सारा एक्सट्रैक्ट उसमें आ गया है। अभी ये सोक चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और पानी हमने पहले ही डाल दिया था चावल का भी, तो अच्छे से एक मिक्स दे देती हूँ। देखिए यहाँ पे नमक चेक कर रही हूँ मैं, और मुझे नमक सही लगा था। तो अभी मैं यहाँ पे लिड क्लोज कर लूँगी, और 2 विजल्स तक मैं इसे कुक कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 विजल्स हो चुके हैं, लिड हटा रही हूँ। देखिए कितना लंबा, कितना अच्छा, यानी मुरादाबादी बिरयानी तैयार हो गई है। देखिए अब प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं ये ब्राउन अनियंस के साथ, जो अनियंस को मैंने तल लिया था, वो गार्निश कर रही हूँ। और थोड़े धनिया पत्ते के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल रेसिपी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।